हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप नई नई विंडो इंस्टॉल करते हो, उसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अगर गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है तो वो किस तरीके से होगा, आज इस वीडियो में वही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं किस तरीके से इंस्टॉल होगा। अगर आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में, उसको किस तरीके से करोगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पूरा अच्छी तरह से है, और किस तरीके से पेन ड्राइव बनानी होती है उसका वीडियो भी अलग है, वो भी मैं दे दूंगा। आप पेन ड्राइव बना के और आराम से विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिर कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, विंडोज 10 के अंदर आपको या तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट मिल जाएगा एज का, या फिर यहाँ पे सर्च करेंगे अपन एज EDGE, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, इस पे क्लिक करेंगे, देन ये विंडो ओपन हो गई है। इसके अंदर अपन सर्च करेंगे GWGLE गूगल CHROME क्रोम डाउनलोड, एंटर कर देंगे। इसके अंदर अपन जाएंगे क्रोम ब्राउजर डाउनलोड, इस पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ डाउनलोड क्रोम, देन इस पे क्लिक कर देंगे। आपको डायरेक्ट रन कराना है तो रन पे क्लिक कर दो, अगर आपको सेव करके फिर रन कराना है तो सेव पे क्लिक कर दो। तो मैं इसको डायरेक्ट रन करा रहा हूँ, रन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पहले डाउनलोड होगा उसके बाद अपने आप रन हो जाएगा। ये यस के लिए पूछ रहा है, यस करते हैं। ये नेट चेक कर रहा है कि नेट कनेक्ट है कि नहीं है, वेटिंग फॉर डाउनलोड, और ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड इसका टाइम आपकी डाउनलोड स्पीड पर डिपेंड करता है, आपका ब्रॉडबैंड किस स्पीड का है। आजकल ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि सबके पास ज्यादातर ब्रॉडबैंड ही अवेलेबल है, और अगर नहीं तो मोबाइल नेट भी है तो वो भी 4G आ गया है। और ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया है। मेरे इसमें पहले से लॉगिन था इसलिए इस तरीके का ऑप्शन आ गया है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ये गूगल क्रोम यहाँ पे है। अब आप इसको यहाँ पे नीचे टास्क बार में इसका आइकन बनाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन पिन टू टास्क बार, इस पर क्लिक कर देंगे। टास्क बार पे इसका आइकन बन गया, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आइकन बन गया इसका, इस पर एक सिंगल क्लिक करोगे आप ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये गूगल क्रोम इंस्टॉल होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ ट्रबल शूटिंग वाले। अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो मेरे आप चैनल पर जा सकते हो और वहां पर आपको सब तरह के ट्रबल शूटिंग वाले वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।